आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने अलीगढ़ से हुंकार भरी है। चुनाव से पहले यह हुंकार काफी अहम मानी जा रही है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपने बचपन के किस्से का जिक्र किया। वहीं सीएम योगी ने कोरोना के दौरान कैसे प्रदेश ने काम किया है उसका जिक्र किया है। का मन कर रहा है, करीब 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ तो सीएम योगी और पीएम मोदी अलीगढ़ में यूपी मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार सीएम योगी और पीएम मोदी को घेरने में लगी हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से आपको बता दें, एक बयान दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि इस बार सीएम योगी का जाना तय है, उन्होंने किसानों को धोखा दिया है और यूपी की जनता चाहती है बदलाव। सुनिए। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है और जिस तरह से अलीगढ़ में आज सीएम योगी और पीएम मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही प्रदेश के विकास को लेकर, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने इस बात पर तंज कसा है और ये कहा किसान परेशान है, आम जनता परेशान है और वो बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जानती है कि क्या कुछ उनका हाल है। क्या की आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन ना आय बता रहे हैं और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दाने हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया,
और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी किसान है ही नहीं उनमें, उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की पार्टी नहीं है। और अगर छोटी व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने। आपने मंत्रियों को बोलते हुए सुना होगा, बयानबाजी करते हुए सुना होगा, गाड़ियों में घूमते हुए भी आपने सुना और देखा होगा, लेकिन ये बदली हुई सरकार है। ये सरकार जनता के लिए काम करना जानती है, जनता से सवाल जवाब करना भी जानती है। तभी तो रेल मंत्री खुद वंदे भारत एक्सप्रेस में पहुंच गए और जनता से रूबरू हुए। इसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। रेल मंत्री बनने के बाद वैष्णव का पहला दौरा। वंदे भारत एक्सप्रेस का लिया जायजा। जनता से पूछा हालचाल। रेल मंत्री दौरे पर हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। वो जानना चाहते हैं कि उनके रहते हुए क्या जनता परेशान तो नहीं, क्या किसी चीज की कमी तो नहीं, अगर है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाए। अरे बाप रे, क्या बात है। अभी 15 अगस्त को डिक्लेयर किया ना कि देश भर को जोड़ेगी इस तरीके से मॉडर्न ट्रेन। आपने जलसा में फैसला कर लिया। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन पर बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं के विस्तार की आधारशिला रखी। वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रतिष्ठित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस में जम्मू के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने सफर कर रहे यात्रियों से भी बातचीत की। रेल मंत्री को अपने साथ यात्रा करते देख यात्री भी हैरान थे। बातचीत के दौरान कुछ यात्रियों ने रेल प्रणाली में सुधार के सुझाव भी दिए तो अनेक लोगों ने हाल के वर्षों में रेल सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं के लिए धन्यवाद भी किया। पर मंत्री जी यही नहीं रुके, वो तो वंदे भारत एक्सप्रेस के चालक कैबिन में भी पहुँच गए। मंत्री जी के इस दौरे से जहां यात्री हैरान थे, तो वहीं मंत्री जी का ये दौरा बता रहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर आगे बढ़ रही है। और इसी बीच रायबरेली से बड़ी जानकारी आ रही है। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम से महिलाएं नाराज होकर चली गई।
जी हाँ, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम आज रायबरेली में था, जहां पर महिलाएं पहुंची लेकिन वहां से वो नाराज होकर चली गई, आक्रोशित होकर चली गई। उनका कहना है कि वहां पर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर कुछ आरोप भी इन महिलाओं ने लगाए हैं और आक्रोशित होकर महिलाएं वहां से चली गई हैं। रायबरेली से हमारे सहयोगी नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, महिलाएं वहां पर पहुंची, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था लेकिन आक्रोशित होकर वहां से चली गई, मामला क्या कुछ है नरेंद्र? बिल्कुल मेघना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिवसीय दौरे पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, जहां उनके स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताएं, महिला मोर्चा सभी रूप से तैयार थी। लेकिन अगर सम्मान की बात की जाए तो कार्यक्रम के दौरान कुछ नजारा ऐसा भी देखने मिला, जहां रायबरेली के भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदूपाल द्वारा सभी को सम्मानित किया गया, सभी को स्टेज पे बुलाया गया, लेकिन महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है उन्हें तक नहीं बुलाया, उनके साथ जो महिलाएं थी उनको भी नहीं पूछ गया, जिससे अभी सभी नाराज महिलाएं आक्रोशित होकर वहां से सभा से निकलने लगी। उस दौरान उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदूपाल है उन्होंने हमारा नाम कहीं भी नहीं पुकारा, बल्कि हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं सीएम से मिलने के लिए, सभा में हम लोग की बेइज्जती हुई है, ऐसे मतलब कि ऐसे काफी तंज कसते रहे जिलाध्यक्ष के ऊपर, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। हालांकि कुछ टाइम के बाद महिलाओं को अंदर बुलाया गया, जहां उन्हें सम्मानित भी किया, जहां मीडिया ने डिप्टी सीएम से इस मामले में सवाल भी किया, जिसको बताना उन्होंने उचित नहीं समझा। नरेंद्र, एक तरफ तो कमल क्लब के जरिए कोशिश की जाती है कि आने वाले वक्त के लिए यानी कि चुनावों के लिए महिलाओं को साधा जाए, उनको सम्मान दिया जाए, तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कार्यकारिणी में उनको जगह दी जा रही है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम से सामने आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो नजरिया है उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेघना, मैं पहले आपको बता दूं कि उन्हीं की पार्टी की जो कार्यकर्ता की महिलाएं हैं, जिन्होंने मोबाइल में बोला है, माइक के सामने, कैमरा के सामने उन्होंने जो बोला है कि भाजपा सरकार जो नारी मिशन शक्ति चला रही, अभियान चला रही नारियों के सम्मान के लिए, नारियों की शक्ति के लिए, लेकिन आखिर उनका सम्मान कहा गया, जहां उन्होंने भाई सभा में उनका सम्मान नहीं किया, तो उन्हीं की पार्टी की जो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी उन्होंने अपनी ही सरकार पे तंज कसा है कि हमारा सम्मान नहीं हुआ है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जो उन महिलाओं ने कहा है ऑन कैमरा वो भी हम सुनवाएंगे अपने दर्शकों को, किस तरह से वहां पर महिलाएं पहुंची, हालांकि आक्रोशित होकर, नाराज होकर वो वहां से चली गई हैं। आप पार्टी छोड़ के क्यों जा रही हैं? जो हमारे जिलाध्यक्ष सम्मान ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है, क्या नाम है जिलाध्यक्ष का, क्या नाम है? सुधा अवस्थी। एक बार जन्मभूमि का शिलान्यास होता लेना चाहिए ना, किसने नाम नहीं लिया? नहीं बनता तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे सांस्कृतिक धरोहर वाले काम है जिनको। फोन लाइन पर हमारे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। हाँ जी, बताइए अनीता जी। देखिए, महिलाओं के सम्मान की बात लगातार की जाती है, कमल क्लब कार्यकारिणी में जगह, मिशन शक्ति, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, महिलाएं वहां पर पहुंची, आखिर उनको सम्मान क्यों नहीं मिला? ऑन कैमरा वो ये कहती हुई नजर आई कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आक्रोशित होकर वहां से चली गई। देखिए, ऐसी बात नहीं है, महिलाओं को हमारे यहाँ तो महिलाओं को सबसे पहले सम्मान मिलता है, और सबसे संगठन में हमारे यहाँ देखिए वैसी और मैंने हमारे संगठन में 33% महिलाओं को बराबर सम्मान दिया गया, हमारे राज्यसभा में 2-2 महिलाओं को राज्यसभा भेजा गया, हमारे यहाँ महिलाओं को राज्यपाल बनाया जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं को ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं दिया गया। अब क्या कारण है, किस वजह से क्या हुआ है, पूरी सिचुएशन तो मुझे मालूम नहीं है, कोई कारण हो सकता है, बाकी महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई थी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है, वहाँ पर जो महिलाएं पहुंची थी वो नाराज हो गई, उनका कहना है कि उन्हें वहां पर सम्मान नहीं मिला, उनका नाम ढंग तरीके से नहीं लिया गया, उनको वहां से कहा गया कि आप चले जाइए, इस तरह की बातें सामने है। ऑन कैमरा वो ये बोलती हुई नजर आई हैं कि तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन महिलाओं को बीजेपी सम्मान आखिर क्यों नहीं दे रही है, ये हुआ है। अब आप बताइए कि इस पर आखिर बीजेपी सम्मान क्यों नहीं दे रही है महिलाओं को, महिलाओं के प्रति जो दावे किए जाते हैं उनमें सच्चाई नजर क्यों नहीं आ रही है? मैं आपकी बात को पूर्ण सच गई हूँ, कार्यक्रम के अंदर ऐसा हो सकता है भारी भीड़ के अंदर किसी महिला का नाम मन से ना लिया जा पाया हो, कोई कारण हो सकता है, वो जब कार्यक्रम होता है कार्यक्रम में एक थोड़ी सी भूल चूक होती है, उस वजह से वो नाराजगी जो है 2 मिनट के तने रुस्ते तने रुस्ते हो जाती है, 2 मिनट में वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप यहाँ से चली जाइए। ये मान सकती हूँ मैं कि एक बड़ा कार्यक्रम के अंदर किसी महिला का नाम लेना भूल गए हो या महिला का नाम चूक गया हो, वो एक अलग बात हो सकती है, उसके लिए बाद में उनसे सॉरी बोला जा सकता है, वरना महिलाओं के सम्मान हमारे लिए नंबर 1 पे, बाद में सोचती मैं खुद महिला हूँ, भारतीय जनता पार्टी की महिला हूँ,
मुझे मालूम है कि भाई जो लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमको बहुत सम्मान देती है, और हम उसी सम्मान के जरिए आज देखिए आप हमें बुला रही, हम बात कर रहे हैं। अनीता जी, आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सम्मान दिया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, तमाम बड़े पदों पर महिलाओं को विराजमान किया जाता है, लेकिन क्या उन बड़े चेहरों को सम्मान दिया जाएगा, जबकि बीजेपी का हमेशा यही कहना रहा है कि जो छोटे लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी सम्मान दिया जाएगा। ऐसे में ये महिला कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रही है, उनको आखिर पहचान क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं नहीं, ऐसे मैंने कहा ना, बड़े कार्यक्रम में ऐसी भूल चूक हल्की फुल्की हो जाती है कि नाम ना लिया गया हो, उनको ऐसी भारी भीड़ में उनको बैठे की सीट ना मिली हो, ये सब होता है। ये कई कार्यक्रमों में भी होता है, हम लोग के साथ भी कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसा हो जाता है कि कभी नाम ना लिया जाकर जगह ना मिले, अलग वो ऐसा होता है। उससे थोड़ा सा बुरा मानने वाली जो बात होती है वो नहीं मानना चाहिए, उसमें समझना चाहिए कि बड़ा कार्यक्रम है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको सम्मान की बात ना दी जाए या कुछ ऐसा, देखिए बड़े कार्यक्रम। अनीता जी, आपको फिलहाल मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप खुद सुनिए कि आक्रोशित महिलाओं का ऑन कैमरा क्या कुछ कहना है। तो अनीता जी, सुना आपने, यहाँ पर ऑन कैमरा महिलाएं क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर ये दावे बीजेपी करती है कि महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है और चुनाव नजदीक है, मिशन शक्ति चलाया जाता है, तमाम दावे किए जाते हैं, आपको नहीं लगता विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है, उसमें यही जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई बयां करते हैं? कार्यक्रमों में अक्सर इस तरह से हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। बीजेपी में यही महिलाएं जो है, उनको लगेगा कि हमने गलत बोल दिया, तो फिर उनको उनको एकदम से वो उनका नाम नहीं लिया होगा, उनको जगह नहीं मिली होगी, तो उत्तेजित हो गई होंगी, लेकिन थोड़े समय लोग खुद सोचेंगे वाकई में इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसी भूल चूक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी से हल्का सा नाराजगी होती है, नाराजगी दूर की जा सकती है। चलिए, आने वाला वक्त अनीता बताएगा कि वाकई ये महिलाएं आक्रोशित थी या फिर मामला कुछ और था। फिलहाल धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये पूरा मामला आपने देखा, रायबरेली का ये मामला था जहां पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में महिलाएं आक्रोशित हुई थी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल। We can